नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि पार्टी की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना के विचार के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, सबकी सहमति से जाति आधारित जनगणना के विचार का समर्थन करने का फैसला किया है। राहुल ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी फैसला किया है कि वो कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जाति आधारित जनगणना पर कहा कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं, बीजेपी को फोर्स भी करेगी। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना के समर्थन में होगा, तब राहुल गांधी ने कहा कि अधिकतर पार्टी गठबंधन में कास्ट सेंसस को लेकर सहमत हैं। कुछ के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं है, अधिकतर सपोर्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जरूरी है, हम इसको करेंगे। कांग्रेस इसको करके ही छोड़ेगी, जब तक वादा पूरा नहीं करती है वो तोड़ती नहीं है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि भाजपा जाति आधारित जनगणना कराने में अक्षम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये भी दावा किया कि भाजपा ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करती, बल्कि उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक एक्सरे की तरह है, जिससे ओबीसी और अन्य वर्गों की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर बीजेपी ये एक्सरे क्यों नहीं चाहती है। जाति आधारित जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है। कास्ट सेंसस साफ कर देगा कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं और कौन है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, जिसमें पता चलेगा कि किसके पास धन है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये पहले नहीं किया था, जो हमारी गलती है, इस गलती को हम सुधारेंगे। उन्होंने कहा, ये हमारा राजनीतिक फैसला नहीं है, ये न्याय का फैसला है, हिस्सेदारी का फैसला है। हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जब पत्रकार राहुल गांधी से जाति आधारित जनगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ रहे थे, तब राहुल गांधी ने उनको ही एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस कमरे में दलित कितने हैं, कितने ओबीसी हैं, हाथ खड़ा करते हैं। हैरानी की बात यह रही कि केवल एक कैमरामैन ने ही हाथ उठाया और किसी रिपोर्टर ने नहीं। तब राहुल गांधी ने कहा कि मैं रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ, दिख गया सच्चाई क्या है, संस्थाओं तक में इनकी भागीदारी नहीं है। राहुल ने कहा कि अभी आपसे पूछा, एक नहीं मिला, सब इधर उधर देख रहे थे। बीजेपी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 7 सांसद भी शामिल हैं। सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा से, राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ को तिजारा से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से और देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से उतारा गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया और दावा किया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़े बहुमत के साथ सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। नड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा बाहरी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 सालों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सत्तारूढ़ बीजेपी पर कटाक्ष किया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ भाजपा और उसके सहयोगियों की विदाई की घोषणा हो गई है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के मतदाताओं के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास कांग्रेस की गारंटी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनावों की घोषणा सोमवार को कर दी गई है। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की तारीख घोषित होने पर अब इन सभी 5 राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध का सोमवार को 3रा दिन है। दोनों तरफ से भीषण लड़ाई जारी है। इसराइल ने जहां गजा को पूरी तरह तबाह कर दिया है, वहीं हमास के लड़ाके दक्षिणी इसराइल में अभी भी मौजूद हैं। हमास ने बड़े पैमाने पर लोगों को इसराइली अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया है। 3 दिवसीय संघर्ष में दोनों पक्षों के 1100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इसराइल में 44 सैनिकों सहित 700 अधिक लोग मारे गए हैं। हमास का कहना है कि हमने ये हमला यरूशलम में अलक्सा मस्जिद में इसराइल की उकसाने वाली लगातार कार्रवाई की बात किया है।
इसराइल ने अब तक लाखों फिलिस्तीनियों को मारकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसी के अनुसार इजरायली हवाई हमलों और घरों और अपार्टमेंट पर की गई नई गोलीबारी ने गजा में लगभग 1,23,538 फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष में इजरायल में कई अमेरिकी मारे गए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कई अमेरिकियों की मौत हुई है, हालांकि ये मरने वालों की सटीक संख्या नहीं बताई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिकी सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और इसराइल में स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसके अलावा 10 नेपाली छात्र जो इसराइल में पढ़ाई कर रहे थे वो हमास के हमले में मारे गए हैं। हमास के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इसराइल में अमेरिकी जहाजों और युद्ध विमानों की तैनाती का आदेश दे दिया। अमेरिका ने कहा है कि वो इसराइल की मदद के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में एक विमानवाहक पोत, जहाज और जेट भेज रहा है और इसराइल को अतिरिक्त उपकरण और गोला बारूद भी दिया जाएगा। दक्षिणी इसराइल पर हमास के हमले के बाद बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो इसराइल के साथ इस मुश्किल समय में मजबूती के साथ खड़े हैं। हमास और इसराइल युद्ध को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सालों तक जब मासूम फलिस्तीनी मरते रहे तो दुनिया चुपचाप देखती रही, आज सभी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसराइल फलिस्तीनी संघर्ष पर दुनिया को जागरूक करने के लिए ऐसी मौत और विनाश की जरूरत पड़ रही है। सालों साल जब मासूम फलिस्तीनी की हत्या की जा रही थी तो लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, आज जब दूसरा पक्ष ऐसे हालात में है तो तथाकथित लोकतांत्रिक देश आक्रोशित हो रहे हैं। ये सिलेक्टिव आक्रोश अपराध है। फलिस्तीन का मुद्दा सुलझाया जाए ताकि शांति बहाल हो। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने रविवार को फलिस्तीनी इस्लामी गुट हमास द्वारा इजरायली शहरों के खिलाफ किए गए हमलों को गंभीर और भड़काने वाला बताया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा है कि वो इजरायली नागरिकों को उनके घरों से बंधक बनाए जाने की रिपोर्ट से स्तब्ध है। मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत हमेशा पूर्ण रक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें कभी भी संघर्ष का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। बता दें, फलिस्तीनी मुद्दे के प्रति दशकों की अरब नीति को तोड़ते हुए यूएई 2020 में इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ होने वाले अगले विश्व कप मुकाबले में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई की ओर से जारी मेडिकल अपडेट में यह बताया गया है कि शुभमन गिल 9 अक्टूबर को टीम के साथ दिल्ली नहीं जा रहे हैं। शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए भारत के पहले विश्व कप मैच में भी नहीं खेले थे। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को भारत टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेलेगा। इस दौरान शुभमन गिल चेन्नई में मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। अभिनेता शाहरुख खान को हाल ही में जानलेवा धमकियों के खतरों के मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र राज्य खुफिया विभाग द्वारा कथित तौर पर शाहरुख खान की सुरक्षा को वाई श्रेणी तक बढ़ा दिया गया है। एक न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने शाहरुख को जिस खतरे का सामना करना पड़ रहा है उसकी प्रकृति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह फैसला हाल ही में एक हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है जिसमें सुपरस्टार को खतरे और सुरक्षा की समीक्षा की गई है। वाई प्लस कैटेगरी में शाहरुख को 11 सुरक्षाकर्मी मिलेंगे जिनमें 6 कमांडो, 4 पुलिसकर्मी और 1 ट्रैफिक क्लियरेंस वाहन शामिल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।